नर्मदे हर नर्मदे हर। आइए अब मैं आपको उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा का मार्ग बताता हूं कि हमें उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा का संकल्प कहां से लेना है और रास्ते में हमें कौन कौन से स्थान आएंगे, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना है। मेरा आपसे निवेदन है कि एक पेपर और पेन ले लीजिए ताकि जैसे जैसे मैं आपको स्थान बताऊं वैसे वैसे आप लिखते जाइए तो आपको परिक्रमा करने में सुविधा होगी। जहां से उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा शुरू होती है वो दो स्थान है कि उन दो स्थानों में से किसी भी स्थान से आप नर्मदा मैया की परिक्रमा कर सकते हैं। पहला स्थान है दक्षिण तट पर रामपुरा और दूसरा स्थान है उत्तर तट पर तिलकवाड़ा। अब हमें इन स्थानों पर पहुंचना कैसे है, सबसे कन्वीनियंट रेलवे स्टेशन है बड़ौदा। बड़ौदा के लिए पूरे भारत भर से रेल की कनेक्टिविटी है। मैं मुंबई रहता हूं, मुंबई से डायरेक्ट ट्रेन है एकता नगर जो वाया बड़ौदा डायरेक्ट एकता नगर जाती है। कृपया ध्यान दीजिए गाड़ी संख्या 1-2-9-2-7-12 एकता नगर जहां पर सरदार वल्लभ भाई का सेतु बना हुआ। एकता नगर के लिए पूरे भारत भर से कई जगह से ट्रेनें हैं, डायरेक्ट ट्रेन है। अगर वहां से आपके यहां से अगर डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप बड़ौदा आइए। गुजरात में बड़ौदा एक बहुत बड़ा शहर है, बहुत बड़ा टर्मिनल है और वहां से एकता नगर के लिए आपको बहुत फ्रिक्वेंसी है, आप डायरेक्ट वहां से एकता नगर आ सकते हैं। एकता नगर में रेलवे स्टेशन के ऊपर भी डॉर्मेटरी है, रेलवे के IRCTC के रूम्स है। एकता नगर में भी काफी लॉज होटल आपको मिल जाएंगे और मंदिर के प्रांगण में रहना चाहते हो तो गरुड़ेश्वर आइए। गरुड़ेश्वर में दत्त मंदिर है, वासुदेवानंद सरस्वती यानी टेंबे महाराज उनका एक बहुत सुंदर स्थान है। उस स्थान पर मंदिर की धर्मशाला है, मंदिर के धर्मशाला में भी आ सकते हो और वहां अन्य क्षेत्र की भी व्यवस्था है। तो आप गरुड़ेश्वर आ गए, गरुड़ेश्वर में आपने दत्त गुरु का दत्त भगवान का दर्शन लिया। और वहां से आपको ऑटो या गाड़ी करके आपको रामपुरा जाना है या फिर तिलकवाड़ा जाना है। रामपुरा नर्मदा मैया के दक्षिण तट पर है, तिलकवाड़ा नर्मदा मैया के उत्तर तट पर है। गरुड़ेश्वर भी उत्तर तट पर है, दोनों भी डिस्टेंस गरुड़ेश्वर से सेम है, रामपुरा या तिलकवाड़ा। रामपुरा से नर्मदा मैया की परिक्रमा शुरू करने का विधान इसलिए है कि नर्मदा मैया पूरब से पश्चिम की ओर बढ़ती है तो पहला बढ़ते समय तो पहला स्थान आता है रामपुरा और फिर आगे प्रवाहित होकर वो तिलकवाड़ा की तरफ जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप रामपुरा से नर्मदा मैया की परिक्रमा शुरू करें। रामपुरा में जब आप आते हो तो रामपुरा में ही आपको रणछोड़ राय जी का मंदिर है, काफी विशाल मंदिर है। उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा का संकल्प आपको उस मंदिर में लेना है या फिर नर्मदा मैया के तट पर, क्योंकि ये मंदिर नर्मदा मैया के तट पर है तो आप नर्मदा मैया के तट पर जाकर भी आप संकल्प ले सकते हो। वहां पर आप संकल्प लीजिए, वहां से संकल्प लेने के बाद आप करीबन 200 से 250 मीटर नर्मदा मैया के तट से ही आगे बढ़िए। वहां पर एक सुंदर शिवालय है जिसे पांडव गुफा कहते हैं, बहुत सुंदर शिवालय, छोटा सा शिवालय है, इसे जरूर देखिए, जरूर मिस मत करिए। नर्मदा मैया के मतलब पानी के अंदर है ऐसा समझ के चलिए आप, बिल्कुल तट पर है, नीचे उतरना पड़ता है और वहां पर पांडव गुफा बहुत सुंदर शिवालय है। आपको नर्मदा मैया संकल्प लेने के बाद में पांडव गुफा पे आपको दर्शन करना है। वहां से आप आगे बढ़ते हो फिर आप रणछोड़ राय जी के मंदिर में आ गए। रणछोड़ राय जी के मंदिर में आने से पहले
आपको गणेश जी का एक मंदिर लगेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि किसी भी कार्य की शुरुआत अगर करना है तो भगवान गणेश की हमें आराधना करनी होती है, तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा अर्चना करते हैं। पहले गणेश जी के दर्शन, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले गणेश जी के दर्शन किए जाते हैं, तो सबसे पहले गणेश जी के दर्शन और उसके बाद हर सिद्धि माता जी के दर्शन। वहां से हम आगे बढ़ते हैं तो हर सिद्धि माता का मंदिर आता है। हर सिद्धि माता के मंदिर के हमें दर्शन करना है, क्योंकि यह जो मैया है, यही मैया हमारे इस उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा को सिद्ध कराएगी, पूर्ण कराएगी। रामपुरा दक्षिण तट पर है, यहाँ परिक्रमा यहाँ से शुरू हुई, जो हम कहते हैं कि विधिवत, जिसे उत्तरवाहिनी नर्मदा की परिक्रमा कहा जाता है, जिसकी शुरुआत यहाँ से होती है, वो स्थान, वो स्थल है रामपुरा। और आज हम रामपुरा में हैं। यहाँ सबसे पहले हम आए, हर सिद्धि माता का मंदिर है, यहाँ पर अब हम सबसे पहले प्रणाम करेंगे, हर सिद्धि माता जी का दर्शन लेंगे, और फिर यहाँ से हम जाएंगे रणछोड़ राय जी के मंदिर में, वहाँ पर दर्शन लेंगे, वहाँ संकल्प करेंगे, और संकल्प लेके आज की जो उत्तरवाहिनी नर्मदा जी की परिक्रमा है उसकी शुरुआत करेंगे। अभी 1:08 बज चुके हैं, आइए हम चलते रणछोड़ राय जी के मंदिर में। हर सिद्धि माता का दर्शन करने के बाद में हम रणछोड़ राय जी के मंदिर में आ गए। रणछोड़ राय जी का जो मंदिर है, ये जिस स्थान पर मंदिर है उसी स्थान पर रणछोड़ राय जी स्वयं प्रकट हुए थे, यहाँ पर इनका प्रकट्य स्थान भी है। और रणछोड़ राय जी की बहुत ही सुंदर मूर्ति है, आप जरूर, मैं आपको विनती करता हूँ कि आप रणछोड़ राय जी को जरूर दर्शन करें। इतनी सुंदर, इतनी विनोदनीय मूर्ति है कि हम देखते रह जाते हैं। हमने रणछोड़ राय जी का दर्शन किया, इस प्रांगण में विश्राम की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, आप चाहो तो गद्दियां भी यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, आप चाहो तो विश्राम कर लीजिए। सौराष्ट्री सोमनाथं च श्रीशल्य मल्लिकार्जुन उज्जैनिया महाकाल ओंकारे ममलेश्वर परलय वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकर सेतु बंधु तु रामेश वाराणश्च तु विश्वेश त्र्यंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदार वृष्णेश च शिवालय एतानि ज्योतिर्लिंगानि सायं प्रातः पठेनर सप्त जन्म कृतं पाप स्मरणेन विनश्यन्ति। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो पार्वती पते हर 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 महादेव। शंभो शंभो शंभो। अभी हाल ही में हनुमान जयंती हो गई, हनुमान जन्मोत्सव, और हनुमान जी विराजित है उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा के लिए आशीर्वाद देते हुए। परिक्रमा करने के लिए हम लोग निकल रहे हैं, नर्मदे। चलिए, अभी संकल्प हो गया है, हम लोग परिक्रमा की शुरुआत करते हैं। बोलिए एक बार, नर्मदे। रणछोड़ राय जी के मंदिर से हम बाहर निकलते हैं, सीधे हाथ पे हम पलटते हैं, आगे थोड़ा आगे जाने के बाद हमें एक बहुत बड़ा विशाल वृक्ष दिखता है, और उस विशाल वृक्ष से हमें दाहिनी ओर, दाएं हाथ की ओर। अब हमारी उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा शुरू होगी, आप एक एक स्थान का महत्व समझिए, एक एक स्थान का वहां पर आनंद दीजिए। वहां से हम आगे बढ़ रहे हैं, सीधे हाथ पर पलट गए, हम आगे बढ़ते चले गए, करीबन 1 किलोमीटर हम आगे गए तो आगे हमारे के दाएं हाथ पर धनेश्वर और लुकेश्वर, ऐसे दो शिवालय, बहुत सुंदर शिवालय।
यहाँ स्वयं धन कुबेर इन्होंने शिव जी की स्थापना की थी, यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना। यहाँ पर आप देखिए कि एक साइड में धन कुबेर, जो कुबेर जी ने जिस शिवलिंग की स्थापना की वो है, और उसके बिल्कुल अपोजिट उसी प्रांगण में उसी मंदिर में और एक शिवालय है जिसे लंकेश्वर कहा। अब आप समझिए कि कुबेर जी और लंकेश्वर, लंकेश्वर यानी रावण, ये दोनों सगे भाई, दोनों में युद्ध हुआ और दोनों ने अपने अपने शिव, अपने अपने शिव भगवान, अपने अपने शिवलिंग दोनों ने एक दूसरे के अपने यहाँ पर स्थापना। इसलिए स्थान का महत्व होता है, स्थान की जरूरत है। इस स्थान को प्रथम कुबेर भंडारी भी कहा जाता है, तो बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, बहुत आध्यात्मिक स्थान है। और यहीं पर मंदिर के पास ही श्री जानकीदास बाबू वृंदाश्रम है, आप वहां भी विश्राम कर सकते हैं। आप वहां से निकलते हो फिर मेन रोड पर आते हो। पूरे परिक्रमा में हमें एक विशेष रूप से ध्यान रखना है कि नर्मदा मैया हमेशा अपने सीधे हाथ पर। मेन रोड से फिर हम आगे बढ़े, अगला स्थान है मांगरोल, जहां पर स्वयं मंगल भगवान ने शिव जी की स्थापना की थी, जहां शिवलिंग स्थापित किया था, भगवान शिव की तपस्या। अगर किसी को मंगल दोष है, अगर कोई मांगलिक है, किसी के पुत्र का, किसी के कन्या का विवाह अगर नहीं होता है, तो यहां पर मंगल दोष का निवारण होता है, तो मांगरोल में जरूर जाइए। यहां पर मंगल रात जी का, मंगलेश्वर महादेव का दर्शन। हम मांगरोल से, मंगरोल जो मंदिर है, मंगलेश्वर मंदिर, यहाँ पर थोड़ी सीढ़ियां है, आप सीढ़ियां चढ़ के दर्शन करते हो, फिर नीचे उतरते हो, फिर आप आगे बढ़ते हो। तो आगे बढ़ने के बाद आपको अब लेफ्ट हैंड साइड बाई ओर बढ़ना, आप बाई ओर बढ़ते हो, थोड़ा सा आगे जाते हो, आगे जाने के बाद में फिर से एक कच्चा रास्ता आता है जो बाई ओर है, आप उस रास्ते से, उस कच्चे रास्ते से आपको आगे, रास्ता अच्छा है, गाड़ी वहां पर लगती है, सड़क अच्छी बनी हुई है, आपको उस रास्ते से आगे बढ़ना है। पूरे रास्ते में आपको नर्मदा परिक्रमा पथ ऐसे बोर्ड लगे हुए दिखाई देंगे, काफी परिक्रमावासी आपके साथ चलते रहते हैं, अगर कोई नहीं भी है तो नर्मदा परिक्रमा पथ के बोर्ड वहां पर लगे रहते हैं, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप आगे बढ़ते हो, आगे बढ़ने के बाद सबसे पहला आश्रम आता है उदासीन आश्रम, बहुत विशाल आश्रम। इस उदासीन आश्रम में आपको भोजन की व्यवस्था, विश्राम की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था है। आप अगर थक गए हो तो थोड़ी देर आप उदासीन आश्रम में विश्राम कर सकते हो, यहाँ भोजन का। फिर हम उदासीन आश्रम से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तो अगला आश्रम आता है तपोवन आश्रम। यह भी एक बहुत विशाल, बहुत बड़े एरिया में बसा हुआ है, यहाँ भी भोजन की व्यवस्था है, विश्राम की व्यवस्था है, शौचालय की व्यवस्था है, बहुत सुंदर स्थान है। और यहाँ पर जो महात्मा जी है वह सिर्फ खिड़की में से दर्शन देते हैं, इसलिए उन्हें खिड़की वाले बाबा भी कहते हैं। हम यहाँ पर कुछ देर विश्राम करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला आश्रम आता है श्री स्वामी रामदास संत आश्रम। यह भी आश्रम बहुत बड़ा है, विशाल है, यहाँ भी भोजन की व्यवस्था है, विश्राम की व्यवस्था है और शौचालय की व्यवस्था है। हम या तो श्री संत रामदास स्वामी आश्रम से जा सकते हैं, या आगे जाने के बाद श्री सीताराम महाराज आश्रम आता है तो वहां भी जा सकते हैं। दोनों ओर से आप आगे बढ़ सकते हो, दोनों जगह पे सारी व्यवस्था है। हम जब उत्तरवाहिनी नर्मदा परिक्रमा करेंगे रात को भी थी, और उस दिन चतुर्थी थी, मिसेस ने कुछ भी नहीं खाया था, पूरी दिन भर से भूखी थी, और ये था कि जब चांद निकलेगा तब भोजन किया। हम तपोवन आश्रम पहुंचे, वहां के बाबा जी ने हमें बताया आगे आपको कुछ नहीं मिलेगा,
आप ये बिस्किट का पैकेट आपके साथ रख लीजिए। और उन्होंने बिस्किट का पैकेट दिया और वो बैग में रखा, एक पानी की बोतल दी और हम आगे बढ़े। थोड़ी दूर पर गए तो एक घर में से एक महिला ने हमें आवाज दी। बिल्कुल सच्ची घटना है, अभी भी रोमांच हमारे पूरे बदन पर आता है कि मैया हमारे साथ पूरे परिक्रमा में बैठे रहती है। इसका एक प्रत्यक्ष अनुभव मैं आपको बताता हूँ। एक घर के पास एक महिला ने हमें आवाज कर दी और यह कहा कि भोजन पा लीजिए, रात के 9:30 बजे है, सभी तरफ अंधेरा है, सब कुछ सुनसान है, क्योंकि परिक्रमा सब लोग जैसे सुबह करते हैं, हमने थोड़ा काम में देरी से शुरू की थी, परिक्रमावासी हमारे साथ नहीं थे, हम अकेले ही थे। तो मैया ने आवाज लगाया, बोले भोजन पा लीजिए। पत्नी ने मेरे तरफ देखा तो मैंने उसे कहा कि थोड़ा सा नजर उठा कर देखिए तो सामने चंद्रमा जी आसमान में हमें दर्शन दे रहे थे और उसी समय मैया ने हमें उतारा, बैठकर भोजन कर पाए। हमने दोनों ने उस समय चंद्रमा को प्रणाम किया, नर्मदा मैया को प्रणाम किया और वहां भोजन हमने पाया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं सिर्फ उत्तरवाही नर्मदा परिक्रमा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे नर्मदा परिक्रमा कि नर्मदा मैया कभी भी किसी को भूखा नहीं सुलाती है, कभी कोई तकलीफ नहीं आती। पूरे परिक्रमा में मैया हर परिक्रमावासी के साथ रहती है, परिक्रमावासी को किसी न किसी रूप में दर्शन देती है। सिर्फ हमें वो आखे चाहिए कि हम माई को पहचान, तो हमने यहाँ भोजन प्राप्त किया, फिर आगे बढ़े सीताराम दास आश्रम में गए, सुंदर मंदिर है वहां पर हमने दर्शन दिए और फिर सीताराम बापू आश्रम से हम आगे बढ़ते हैं तो सीढ़िया है, सीढ़ियों से हमें नीचे नर्मदा माई के पास जाना होता है, नीचे उतरना है। सीढ़ियों से हम नीचे उतरते हैं, नर्मदा माई के पास जाते हैं और जो नर्मदा माई का एक साइड में नर्मदा माई प्रवाहित होते रहती है, उसका आवाज हमारे कानों में गूंजते रहता है, दिन का समय है तो माई दिखते रहती है और हम आगे बढ़ते जाते हैं। पथरीला रास्ता है उन पथरीले रास्ते में, मानो वो नर्मदा का जो हर पत्थर है वो हमें पथ दिखाते चलता है, वो मार्ग दिखाते चलता है, हम आगे बढ़ते जाते हैं और फिर थोड़ी ही दूर पर कानों में हमें बोट का आवाज सुनाई देता है, नाव का आवाज सुनाई देता है। हम उस आवाज की ओर जाते हैं, दिशा की ओर जाते हैं और हमें जो नाव है, जो बोट है जिससे हमें मैया और जो तट परिवर्तन करता है वो हमें दिखाई देते हैं, वहां जाते हैं। एक व्यक्ति के 30 रुपए वहां पर मिल जाते हैं और वहां पर हमें तट परिवर्तन, वो तट परिवर्तन में हर परिक्रमावासी सिर्फ नर्मदे हर का जय घोष करता है, उद्घोष करता है, नर्मदा माई को बार बार प्रणाम करता है और यही कहता है कि मैया मुझे नर्मदा परिक्रमा का जो सौभाग्य आपने प्राप्त कराया है वो अनूठा है, बस इसी प्रकार हर साल मुझे नर्मदा परिक्रमा करने का सौभाग्य प्राप्त, नर्मदा परिक्रमा करने की शक्ति प्रदान करना। इस प्रकार से हम मार्ग से आगे बढ़ते हैं, बोट से हम आगे बढ़ते हैं, माई हमें अपने बाहों में लिखती है, हमें गोद में उठाकर दक्षिण तट से उत्तर तट की ओर लेकर और बड़े ही प्यार से बड़े ही दुलार से हमें उत्तर तट की ओर तो वहां हम ऊपर जाते, हम उत्तर तट पर आ गए। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपसे निवेदन करता हूं कि कृपया इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट्स करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितने भी परिक्रमावासी जिन्होंने परिक्रमा की है उनसे अनुरोध करता हूं कि कृपया आपके
अनुभव के बोल कमेंट्स में लिखकर हमें बताइए, हमें अनुग्रहित करिए। नए परिक्रमावासियों से निवेदन करता हूं कि आपके मन में कोई भी शंका अगर है तो कृपया मुझे कॉल करिए, यह मैंने अपना नंबर दिया है। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर।